पहले मतलब बहुत धमकी उमकी देता था कि FIR नहीं करना, बोलेगी तो फिर आगे मतलब तुमको ये सब करेंगे। जी कोचिंग जाने के समय में हम लोग जाते थे तो अक्सर आगे पीछे करता था, बोलने पर धमकी उमकी देता था कि मारेंगे या फेंक देंगे मारकर इधर उधर ये सब। मोदीपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शादीशुदा एक पुरुष ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर 5 दिनों तक दुष्कर्म किया है। जब इसकी शिकायत करने पीड़िता थाने पर गई तो थानेदार ने केस दर्ज करने की बजाय पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार कर भगा दिया। पीड़िता ने बुधवार को IG से मिलकर इसकी शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि प्रीता 10वीं की छात्रा है, वो रोजाना ट्यूशन के लिए कोचिंग जाती थी। इसी दौरान 14 अगस्त 2022 के संध्या गांव के शादीशुदा एक पुरुष स्कॉर्पियो से आया और कोचिंग जाने के दौरान नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कहीं दूर ले गया। 5 दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद प्रीता को मोदीपुर बाजार में छोड़कर फरार हो गया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई। परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला। 5 दिनों के बाद प्रीता घर पहुंची और सारी कहानी बताई। उसके बाद परिजनों ने मोदीपुर थाने में जाकर शिकायत की लेकिन थानेदार ने एक नहीं सुनी और दुर्व्यवहार कर प्रीता को भगा दिया। इस मामले में प्रीता ने अधिवक्ता के साथ IG को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घर मंसूरपुर है, जिला थाना मोदीपुर, जिला मुजफ्फरपुर है। मैं बाजार की तरफ दूध लाने जा रही थी और अन्य सामान भी लाना था, नमक ये सब। तो उधर से आते समय पश्चिम से एक कार आई और जबरदस्ती उठा करके अपहरण करके ले गया और 15 तारीख को मतलब अलग अलग जगह ले गया, उतना हमको नहीं पता। और ले जाने के बाद क्या किया कि मेरा 15 तारीख को रेप किया, रेप करके गलत मतलब ही किया और उसके बाद कितना ही करते उड़ते मारा पीटने का धमकी, तेजाब फेंक देंगे, सब फेंक कर चेहरा खराब कर देंगे, भाई लोग को मारेंगे, बिजली का काम करता है तो उसका धमकी दिया कि बिजली का बोलो 1.5 लाख 2 लाख निकाल देंगे कितना ही करते। पर तो हमको मोतीपुर ला करके बहुत विनती किए हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद हमको मोतीपुर ला करके छोड़ दिया गया। उसका हम घर वाले को बोले तो आए केस करने के लिए कहा गया तो मतलब गए तो महिला थाना तो बोली कि मोतीपुर थाना जाइए, मोतीपुर थाना गए तो बोल रहे हैं कि महिला स्पेशल बनी हुई है वहाँ जाइए, वहाँ गए तो बोला गया कि महिला की बहुत देर हो चुका है से कोर्ट से कीजिए। तो कोर्ट में आए तो वकील सर से मिले तो ये आवेदन दिए तो गए तो SP सर से मिले, DSP सर से, तो DSP सर बोले कि जी IG साहब से मिले तो IG साहब बोले कि DSP को हम भेज रहे हैं सो आप जाइए। अभी तो मतलब कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम लोग हुआ नहीं है। पहले मतलब बहुत धमकी उमकी देता था कि FIR नहीं करना, बोलेगी तो फिर आगे मतलब तुमको ये सब करेंगे। जी कोचिंग जाने के समय में हम लोग जाते थे तो अक्सर आगे पीछे करता था, बोलने पर धमकी उमकी देता था कि मारेंगे या फेंक देंगे मारकर इधर उधर ये सब। वो आए मेरे पास, उनके द्वारा बताया गया, उनके कथनानुसार ये मामला है। 14/8/22 को तकरीबन 7:30 बजे ये जो बाजार जा रही थी उस समय एक लड़का अवधेश कुमार शामिल, उसके साथ कुछ अज्ञात लोग थे, इसको जबरन स्कॉर्पियो पे इसको बैठा लिए, इसकी उम्र 14 साल है, इसका अपहरण कर ले गए और अन्यंत्र छिपा के रखे और इसके साथ 15/8 को रेप किया गया। रेप करने के बाद इसको डराया धमकाया गया कि अगर कहीं बताओगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, फेस को जला देंगे। उसके बाद फाइनली इसको मोतीपुर के पास ला के 18 तारीख को ये लोग धमकी देते हुए चले गए, ये कह के कि अगर कहीं कंप्लेंट किया तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ये सबसे पहले ये मोतीपुर थाना गई, वहाँ इनको समय समय पर बुलाया गया, कोई FIR इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। उसके बाद ये बोल के इनको हटा दिया गया कि आप जाके महिला थाना से कांटेक्ट करिए, महिला से जुड़ा मामला है। महिला थाना में भी ये टाइम विदाउट नंबर गई, ये कल भी गई, आज भी मॉर्निंग में गई, वहाँ से भी ये कह के हटा दिया गया कि आप न्यायालय से आदेश लेके आओगे तभी मैं कुछ करूँगा। तब ये फाइनली इसने IG के पास ये गई है डिटेन और IG को इसने अपना डिटेन स्टेटमेंट दिया और IG ने ऑर्डर करके किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को इसका जाँच का जिम्मा और कार्रवाई का जिम्मा दिया।